नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाने के फायदों के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारा चैनल रिव्यू सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल रिव्यू सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनको सभी प्रकार के खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। उनको बाज़ार में पाई गई ज़्यादा तेल से बनी हुई सामानों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान उनको बस फल या हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे उनका और उनके गर्भ में पल रहे शिशु का ग्रोथ बिल्कुल सही तरीके से हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहली फायदेमंद बात, आपके लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाते हैं तो इससे आपको लो ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। दूसरी फायदेमंद बात है, प्रेगनेंसी के दौरान लगभग प्रेग्नेंट महिला को मसल्स क्रैम्प और कमजोरी का सामना करना पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लीची का सेवन करती है तो लीची के सेवन करने से आपको मसल्स क्रैम्प और कमजोरी से राहत मिलती है, क्योंकि लीची में पोटेशियम पाया जाता है जो आपको इन दोनों खतरों से बचाता है। अब बात करते हैं तीसरी फायदेमंद बात है, लीची एक प्राकृतिक एंटा एसिड है, जो अगर आप खाती है तो इसके खाने से आपको जी मचलाने, हार्ट बर्न जैसी समस्या नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग प्रेग्नेंट महिला का जी मचलाने की शिकायत आती है, लेकिन अगर आप लीची खाती है तो इसमें पाया जाने वाला एंटा एसिड आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी जी मचलाने से बचाता है। चौथी फायदेमंद बात, पॉलीफिनोल पाया जाता है लीची में। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाती है तो आपको पाचन से जुड़ी समस्या से राहत मिलता है, और डायबिटीज के रोगों को जरूर लीची खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इसमें पॉलीफिनोल पाया जाता है। पॉलीफिनोल प्लांट बेस्ड फूड में पाया जाता है, जो आपको वजन बढ़ने की समस्या को रोकता है, डायबिटीज से भी रोकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान लीची ज़रूर खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान लगभग प्रेग्नेंट महिला का वजन बढ़ने लगता है, जिनके कारण उनको परेशानी आ सकती है। अब आइए बात करते हैं पांचवी फायदेमंद बात है, लीची आपके स्किन की ग्लोनेस को बढ़ाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लीची खाती है तो इसके सेवन करने से आपके स्किन की ग्लोनेस बढ़ती है, यानी आप पहले से ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगी। अगर आप चाहती है कि आपका स्किन ग्लो करने लगे पहले से ज़्यादा, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान लीची का सेवन ज़रूर करें। अब आइए बात करते हैं छठी फायदेमंद बात है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है। नौवें महीने में कफ से भी आपको छुटकारा दिलाता है ये विटामिन सी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान लीची का सेवन जरूर करें। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सातवीं फायदेमंद बात है, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लीची का सेवन करती है तो इसके सेवन करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन लेवल को कंट्रोल करता है लीची, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और इसमें आयरन भी पाया जाता है, जो आपके शरीर में होमोग्लोबिन लेवल को कंट्रोल करता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान लीची का सेवन जरूर करना चाहिए। लीची एक सीजनल फल है, गर्मियों के मौसम में लीची पाया जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप केमिकल बेस्ड लीची का सेवन ना करें, आप प्राकृतिक लीची का ही सेवन करें, क्योंकि नेचुरल चीज़ें आपके लिए फायदेमंद है और एसिड से बनाई गई चीज़ आपके लिए
फायदेमंद की जगह नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आप याद रखें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ का सेवन करें, जिससे आप और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो यही थे कुछ फ़ायदेमंद बात जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल रिव्यू सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।